मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप अपना ध्यान रखना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी हैरी। डैड, मैं आपको जिंदगी भर याद रखूंगा। डैड, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही जा रहा हूँ। हैरी प्लीज, आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा। ओके ठीक है। आप मुझे भूलेंगे तो नहीं? नहीं भूलूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मित्सी। तुम्हारे पापा जा रहे हैं, अब मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं अपनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर सकती हूँ। अब तो हम गए काम से। शिनचैन, जरा इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं किसी गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मामा ये सोच रही हैं कि अब कुछ दिनों के लिए पापा यहाँ पर नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें अच्छी आदतें सिखाऊं। क्या सिखाऊं तुम्हें? आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, तो मुझे तुम्हें ये सिखाना होगा कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे पेशेंस रखा जाता है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आज रात हमें डिनर नहीं मिलेगा? मैं पैसे बचाना, अच्छी तरह बिहेव करना और पेशेंस के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से फिजूल खर्ची बंद। पर आज अचानक क्यों? दाल चावल और उबले हुए नूडल्स। चलो खाना शुरू करो। ये तो बीमारों का खाना है। मेरी बात भूल गए क्या? क्या आपने आज फिश भी नहीं बनाई? अरे किसने कहा फिश नहीं है? ये लो, ये सच में बहुत टेस्टी है। अब खाना शुरू करो। इतने से मेरा क्या होगा? क्या तुम्हें शिमला मिर्च चाहिए? ये लो। आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मैंने तुमसे कहा ना, बच्चों को रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तुम्हें अच्छी बातें सिखाना मेरा फर्ज है। हिमावारी तुम भी सो जाओ। पर अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। जब तक डैड वापस नहीं आएंगे लगता है ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। हैरी के ऑफिस ट्रिप पर जाने से बहुत फायदा होने वाला है। आज ही मैंने 850 रुपए की सेविंग की है। अगर ऐसे ही रोज पैसे बचाती रही तो एक हफ्ते बाद तो 5,950 रुपए। और ये पैसे मिलाकर मेरी अब तक की सेविंग पूरे 10,000 रुपए। बहुत अच्छे मिट्सी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, इन पैसों से मैं अपने लिए एक ब्रांडेड ड्रेस खरीदूंगी, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स खरीदूंगी। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। मैं और ज्यादा सेविंग करूंगी, और ज्यादा सेविंग करूंगी, और फिर एक दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसने सुन तो नहीं लिया। अच्छा तो ये बात है, मम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती हैं, पर भूल गई हैं कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैं कैसे हार मान लूँ? मम अब देखिएगा। तो मैडम आप कितना लेंगी बताइए? सस्ते हैं, मुझे 1 किलो दीजिए। आज रात को मैं आलू और स्प्रिंग अनियंस की सब्जी बनाऊंगी। स्प्रिंग रोल्स की खुशबू। अरे मुझे याद आया, मुझे सेविंग करनी है। देखिए मैडम, प्याज तो बहुत महंगा है, तो आप चाहें तो आप ये चुकंदर ले सकती हैं। उसकी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है ये बहुत टेस्टी है। मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूं कि मॉम सेविंग्स को भूल जाए। क्या हुआ शिनचैन? चिकन सैंडविच बर्गर, देख के मुँह में पानी आ रहा है। चलो यहाँ से, हमें कुछ नहीं खरीदना है, समझ गए? मैं तो बस देखकर खुश हो रहा हूँ। इस लड़के को समझाना बड़ा मुश्किल है। पिज्जा, पास्ता। चलो चलो घर चलें। ब्रांडेड कपड़े आपको चाहिए और भूखा हमें रहना पड़ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? अब क्या बताऊँ, जब मेरी डैड यहाँ पर थी तो हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे, पर उनके जाने के बाद से डैड जल्दी वापस आ जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं सबके सामने ऐसी बातें नहीं कहते? कॉस्मेटिक्स के लिए हमें 5 दिन बचे हैं, अगर इसने हैरी को फोन करके बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो चलकर बर्गर खाते हैं। उसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज और शेक भी लेंगे, और हाँ मैम वो भी लार्ज। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है शिनचैन। मैं तुम्हें सिर्फ बर्गर खरीद कर दूंगी और कुछ मत मांगना, समझे? अरे सुनो, मुझे अचानक सुशी खाने का मन कर रहा है। मैं कहती हूँ रुक जाओ शिनचैन। आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हैं आप? देखा मैं कितना फुर्तीला हूँ, यहाँ जो एक बार ले लिया वो वापस नहीं कर सकते है। ये अपनी बात मनवा कर ही रहता है। अब कौन सा लू? मॉम ने तुम्हारे लिए पहले ही ले लिया है। पर मॉम मुझे ये नहीं खाना है। चुप रहो।
अब कौन सा लूं? अरे वो देखो तुम्हारा दोस्त कजामा। ए कहाँ है कजामा? तुम्हें दिखा नहीं क्या वो रहा? ए कजामा मुझे तो दिख ही नहीं रहा। आई कहाँ कहाँ कहाँ? अब न्यू ये लड़का? जीत गई। हार गया। ये तो बहुत महंगी डिश है। अब ये वापस नहीं हो सकती मैम। अब अगली डिश कौन सी ले मैम? वेज नूडल्स, वो भी सूप के साथ। वेज नूडल्स सूप के साथ अंकल? आप जैसा कहें। तो आपने देखा कि मैं जीत गया। मम की पिछले 3 हफ्तों की सेविंग्स भी खर्च करा दी। डैड मैं आपको मिस कर रहा हूँ। आज तो बहुत टेस्टी खाना खाया है। हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।